किसान विरोधी 3 अध्यादेश को लेकर भारतीय किसान यूनियन के नेताओं ने केंद्र सरकार व प्रदेश सरकार के खिलाफ ट्रैक्टर रैली निकालकर जोरदार प्रदर्शन किया। यह प्रदर्शन घरोंडा में भी किया गया। इस दौरान किसानों ने जमकर नारेबाजी भी की। इसके बाद देश के प्रधानमंत्री के नाम घरोंडा तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। भारतीय किसान यूनियन के नेता अपने ट्रैक्टरों को लेकर नई अनाज मंडी में एकत्रित हुए। ट्रैक्टरों पर काले झंडे लगाकर केंद्र सरकार द्वारा पारित किसान विरोधी 3 अध्यादेश के विरोध में नारेबाजी करते हुए एसडीएम कार्यालय पहुंचे। प्रधानमंत्री के नाम तहसीलदार रमेश अरोड़ा को ज्ञापन सौंपा गया। इस दौरान किसानों ने बताया कि इन अध्यादेश द्वारा केंद्र सरकार हरियाणा पंजाब की मंडी सिस्टम को बर्बाद करके न्यूनतम समर्थन मूल्य को खत्म करने वाली है। फसलों की खरीद प्राइवेट कंपनियों व धन्ना सेठों को सौंपने वाली है। पहली बार संयुक्त पंजाब में 1938 में चौधरी छोटू राम द्वारा मंडी बोर्ड की स्थापना करके मंडी विकसित कराई गई थी। केंद्र की सरकार इस 82 साल पुराने मंडी सिस्टम को बर्बाद करने जा रही है। जैसे और राज्यों में मंडी ना होने की वजह से व्यापारी दलाल औने पौने दामों पर किसानों की फसल खरीद लेते हैं। आने वाले समय में ऐसी बर्बादी हरियाणा और पंजाब में भी देखने को मिलेगी। किसानों ने कहा कि यदि ये 3 अध्यादेश पारित होते हैं तो भारतीय किसान यूनियन देश व प्रदेश में आंदोलन करेगी। घरोंडा से संवाददाता विवेक राणा की रिपोर्ट। केंद्र सरकार इस कोरोना महामारी का फायदा उठाते हुए एक खौफ का मोल बनाकर कई काले कानून पास करने जा रही है, जिसके तहत उसने 3 किसान विरोधी अध्यादेश पास किए हैं, जिनसे मुख्य उन्होंने एक तो हमारी मंडी का सिस्टम खत्म किया है। अब कोई भी प्राइवेट कंपनी, निजी व्यक्ति जिसके पास पैन कार्ड है, वो हमारी फसल को मंडी से बाहर कहीं पर भी किसी भी रेट में किसान से सीधा जाके खरीद सकता है, जो कि पहले गैर कानून। दूसरा अध्यादेश आया है इनका, एसेंशियल कमोडिटी एक्ट था, जिसमें हमारे अनाज और जो दालें प्याज आलू को सरकार ने एसेंशियल जरूरी वस्तुओं में रखा हुआ था, जिस पर एक स्टॉक लिमिट लगाई हुई थी। उस स्टॉक लिमिट से ऊपर कोई व्यापारी निजी व्यक्ति स्टॉक नहीं कर पाता था, जिससे कालाबाजारी रुक जाती थी और पूरे देश की जनता को सही रेट पे खाद्यान्न दालें आलू प्याज प्राप्त होता था। अब उन्होंने वो स्टॉक लिमिट कर दी खत्म। स्टॉक लिमिट ख़त्म कर दी, अब कोई भी धन्ना सेठ अंडानी अंबानी जैसी कंपनी आके सारे इंडिया की 4-5 जो मेन प्याज की मंडी है, वहाँ से सारा प्याज खरीद के स्टॉक करके पूरे इंडिया की जनता को लूटने का काम करेगी। किसानों से आधे दामों पे फसलें खरीद के स्टॉक की जाएंगी। काला बाजारी का एक उनको एक कानूनी रूप पे सरकार ने उनको एक परमिशन दे दी है इस कानून के तहत। तीसरा वो लेके आए हैं कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग किसानों से, उसमें उन्होंने कंपनियों के लिए बहुत कुछ ऐसे इजी काम किए हैं जिससे वो किसान को आराम से लूट सकती हैं। जैसे कि कोई भी कंपनी किसी किसान से यदि कॉन्ट्रैक्ट करती है, कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद जैसे कि वो गेहूँ की फसल का कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, लेते वक्त तो किसी भी कंडीशन पर उस माल को रिजेक्ट कर सकती है, भी हम इसको MSP पे नहीं खरीदेंगे। किसान उसमें उसके साथ कोई फोर्स नहीं कर सकता, उसको कुछ भी कह के नमी की मात्रा ज़्यादा कह के औने पौने दामों में खरीदने का काम करेंगे, जिससे हमारा मंडी सिस्टम ख़त्म करना और MSP न्यूनतम समर्थन मूल्य ख़त्म करना इस सरकार की सबसे बड़ी प्रायोरिटी है, जिसकी वजह से हरियाणा पंजाब का जो मंडी सिस्टम है, ये मंडी सिस्टम पूरे देश में एक मॉडल है। पूरे देश में ही नहीं, 2 स्टेटों में फसल MSP पे बिकती है। 94% फसल इंडिया में MSP पे नहीं बिकती, 6% सिर्फ हरियाणा पंजाब की फसल इस मंडी सिस्टम की वजह से बिकती थी। ये जो चौधरी छोटू राम ने आज से 82 साल पहले 1938 में मंडी बोर्ड स्थापित करके मंडियां विकसित की थी, ये सरकार जिसका इसमें कुछ भी कंट्रीब्यूशन नहीं है इस सरकार का, और वो इसको बर्बाद करने जा रही है, जिससे यहाँ का आढ़ती मजदूर किसान सब बिहार की तरह लूटेंगे। जैसे बिहार में आज फसल का MSP मकई की फसल का 1860 है और मकई का वहाँ पर रेट 800 रुपये मिल रहा है। क्यों? वहाँ दलाल हैं, मंडी सिस्टम है नहीं। ये तो सबका साथ सबका विकास कहते थे, इन्होंने इस नारे को सबका साथ और सबका विनाश बना दिया। यदि बिहार UP में बर्बादी है तो अब हरियाणा पंजाब को भी उनके साथ मिलाओ, उनको अलग नहीं छोड़ना है। इस सरकार का ये मोटिव है, ये बहुत ही किसान विरोधी 3 अध्यादेश हैं, जिससे हरियाणा पंजाब का सारे सिस्टम को ये बर्बाद करने जा रहे हैं। बाकी सरकार को एक बात हम कहना चाहेंगे, आज का प्रदर्शन एक ट्रेलर था, आगे फिल्म बहुत बाकी है। 23 जुलाई को कैथल गुरुद्वारा में मीटिंग रखी गई है आगामी रणनीति के लिए, चाहे कुछ हो जाए, ये तो सरकार को आज समझ लेना चाहिए, ये अध्यादेश वापस होगा, हरियाणा पंजाब इसको कभी भी लागू नहीं होने देंगे यहाँ के किसान। और इस चीज़ का खट्टर साहब भी समझ लें,
और जो दुष्यंत चौटाला जिसको देवीलाल का दूसरा रूप बोलते हैं वो भी समझ ले। आज के मोदी सरकार के खिलाफ नारेबाजी की, इसमें आढ़ती एसोसिएशन ग्रोंडा और भारतीय किसान यूनियन पंजाब हरियाणा में कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। ये 1938 में मंडी स्थापित की थी सर छोटू राम, आज 80 साल के बाद इसको मोदी सरकार तोड़ने जा रही है जी। और ये हमारा भाईचारा आढ़ती का और किसान का खराब हो रहा है। पहले तो इन्होंने ये लगाया अकबर अपना बैंक में खाते में पैसे आएंगे, उसमें दिक्कत आई। अब ये मंडी व्यवस्था ही ख़त्म करने जा रहे हैं, धीरे धीरे MSP ख़त्म करने जा रहे हैं जी, धीरे धीरे किसान की ज़मीन को अपने पक्ष में लेने जा रहे हैं, अब ग्रामीण बैंक खोलने जा रहे हैं जी। जैसा कि PS गोयल ने कह दिया है कि भाई हर ज़िले में एक ग्रामीण बैंक होगा, वहाँ पे अपना जम किसान जाएगा और उसके लैंड बैंक होगा, वो अपना ज़मीन दे सरकार खरीदे। SDM साहब के माध्यम से मोदी प्रधानमंत्री मोदी को ज्ञापन दिया है जी। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.